Welcome back to the lecture session. Welcome back to the second part of mitosis. So first part में हमने, जैसे कि आपको याद है, कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट, आई मीन न्यूक्लियर डिवीजन वाला पार्ट डिस्कस किया था पहले पार्ट में, जिसमें हमने डिस्कस किया था माइटोसिस होता क्या है, डेफिनेशन हमने समझा था, क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. और इस तरह से कैरियोकाइनेसिस के जो फोर फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज, ये सब हम समझकर अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ माइटोसिस में आ चुके हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज साइटोकाइनेसिस. सो साइटोकाइनेसिस में बेसिकली साइटोप्लाज्म डिवीजन अब रह गया है हमारा. सेल इस कंडीशन में, टिलोफेज में हमने देखा था, है ना, अब इसका डिवीजन होना है, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पे क्लीवेज फरो स्टैब्लिश होगा, मींस क्लीवेज फरो बनेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, लास्ट स्लाइड में क्लीवेज फरो बनेगा. Once the area of the cleavage furrow is defined, times for actin filaments. तो actin filaments proteins होती हैं. एक बार decide हो गया कि हाँ ये particular area से divide होना है, या cleavage furrow वहीं पे बनेगी. और cleavage furrow कैसे बनेगी, वहाँ actin filaments जो हैं, जो कि proteins हैं, वो accumulate होना start हो जाएंगे. There are also a number of different proteins such as myosin. So myosin is also an important protein. So, which facilitates the pulling of actin filaments as a contractile ring begins to form. So, contractile ring मतलब ऐसे separating ring, दो cells जो हैं आपस में जुड़े हुए थे, अब वो separate हो रहे हैं, एक दूसरे से खिंच कर अलग हो रहे हैं. Okay? Well, the protein is critical for muscle. तो यहाँ एक general point दिया गया है actin filament और myosin protein के लिए. Actin protein है, myosin भी protein है. उसके लिए जनरल हमारे ह्यूमन बॉडी में जो उसके फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं. मसल मूवमेंट, हमारी बॉडी में मसल मूवमेंट के लिए एटीपी को यूटिलाइज करके हम यूज करते हैं मसल मूवमेंट के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को. ओके, तो बेसिकली सेल डिवीजन के केस में क्लीवेज फरो बनने के लिए ये मदद करता है, ताकि मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो सके. Okay, so here the whole part, or we can say a cell starting from a single cell becoming two daughter cells completes. Now this is a overall summary of mitosis as well as meiosis. So when in next lecture hum jab meiosis ke bare mein padhenge, at that time we'll discuss this whole session, whole summary. Now looking at this diagram, चलिए आप मुझे अब बताइए, इन डायग्राम्स को देखते हुए मैं नेम इसको लेबल कर देती हूँ. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डायग्राम सी एंड दिस इज डी. नाउ यू हैव टू नेम आफ्टर लुकिंग ऑन टू अ पर्टिकुलर सेल. सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ बी सेल, दिस इज अ सी सेल, दिस इज सेल नंबर डी. आफ्टर लुकिंग इन टू दिस सेल्स, जस्ट टेल मी विच फेज इज दिस. ये फेज कौन सा है माइटोसिस का, कौन सा फेज आपको दिख रहा है ना. तो जहाँ क्रोमोसोम्स अच्छी तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं आए होते हैं, कॉइल नहीं होते हैं प्रॉपरली, शॉर्ट नहीं होते, थिक नहीं होते, है ना, वहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि रेस्टिंग फेज में है सेल, या क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में. यहाँ क्रोमेटिन थ्रेड स्ट्रक्चर से अब ये कंडेंसेशन की तरफ जा रहा है, पहली डायग्राम में, डायग्राम ए में. ओके, तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसे ही दिखाई देगा, जो डायग्राम्स आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही दिखाई देंगे. ओके, तो इस केस में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम कंडेंस होने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे अर्ली प्रोफेज या प्रोफेज कह सकते हैं ए को. बी, बी में क्रोमोसोम कहीं ना कहीं इक्विटोरियल प्लेन में आने की कोशिश कर रहे हैं, मिडिल की तरफ आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, तो हम इसे मेटाफेज कह सकते हैं.
सी क्रोमोसोम सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे एनाफेज कह सकते हैं, और क्रोमोसोम्स अब अनकॉइल हो रही हैं ऑपोजिट एंड्स में जाने के बाद, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर ऑपोजिट एंड्स तक पहुंच चुकी हैं और इस तरह से सेल का क्लीवेज फरो बनेगा तो हम उसे टीलोफेज कहेंगे। तो वन बाय वन आप नेमिंग देख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ओवरऑल हमें इस तरह का एक्चुअल डायग्राम हमें ऐसा दिखता है, बाकी जो चीज़ें हमें बुक में दिखती हैं वो हम ईजी करते हैं खुद के समझने के लिए, पर ये रियल डायग्राम्स है। ओके, नेक्स्ट ये समरी है, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसके लिए थोड़ा और डिटेल में, तो ये सब चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं समझने के लिए, फिर से देख लेते हैं। प्रोफेज, पहला फेज प्रोफेज। प्रोमेटाफेज इज जस्ट अ नेम गिवन फॉर द स्टेज विच इज इन बिटवीन द प्रोफेज एंड मेटाफेज। तो वहां जो ये सारी प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलती है, तो वहां उसे नाम दे दिया गया है प्रोमेटाफेज, मतलब प्रो और प्रोफेज और मेटाफेज के बीच वाला, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन द एंड साइटोकाइनेसिस। नाउ सी इन प्रोफेज क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल, यस वी हैव लर्नड, स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स, वी कैन से सेंट्रियोल्स को जो बनाते हैं उस ओरिजिन सेंटर को सेंट्रोसोम्स बोला जाता है। हमने पढ़ा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स है ना, और स्पिंडल फाइबर्स, उसमें से ओरिजिन होने वाले सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, हमने देखा। क्रोमोसोम कंटिन्यूस टू कंडेंस इन प्रोमेटाफेज, एंड प्रोमेटाफेज को हम लेट प्रोफेज भी कह सकते हैं। ओके, काइनेटोकोर्स अपियर एट द सेंट्रोमियर्स। अब देखो काइनेटोकोर क्या होता है, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, और हमने कहा था क्रोमोसोम में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में भी दो ऐसे पोजीशंस होती हैं जहां स्पिंडल फाइबर बाइंड कर सके, तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर जिस पर्टिकुलर पॉइंट को बाइंड करता है उस पॉइंट्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर। ओके, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, यस इट इज रिटन। क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप एट द मेटाफेज प्लेट, इन मेटाफेज वी नो मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं या फिर इक्विटोरियल प्लेट भी प्लेन भी कहते हैं। ईच सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑपोजिट पोल, यस। सेंट्रोमियर स्प्लिट इन टू, एनाफेज में यही होगा। टीलोफेज में कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस से वो रीअपीयर होने लग जाएगा, हमने पढ़ा है। स्पिंडल गायब हो जाएगा, माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर। देन साइटोकाइनेसिस में सेल पूरी तरह से फरो बनाकर डिवाइड हो जाएंगे, क्लीवेज फरो बनेगा एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये फिर से रिविजन हो गया हमारा पूरे लेक्चर में। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे इमेजेस दिखाई देंगे हर एक स्टेप के। तो जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज स्पिंडल फाइबर, ब्लू कलर के जो ऑब्जर्व हो रहे हैं वो डीएनए या क्रोमोसोम हम उसे कह सकते हैं। So I hope this is clear. Let's move to the next slide. Okay, so यहाँ हमारा माइटोसिस टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ये लेक्चर सेशंस फ्री हैं। हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक मुझे जिस तरह से समय मिलता है और जिस टॉपिक सीक्वेंस से मैं चल रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको twice a week, once a week और thrice a week टॉपिक्स अपलोड करती जाऊंगी ताकि आपको रिवीजन करने के लिए या कॉन्सेप्ट्स अपने फिर से क्लियर करने के लिए आसानी हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सपोज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग फ्रॉम 9th एंड 10th साइंस 1 और साइंस 2 के कोर्सेस मैं कंडक्ट करती हूँ। 11th एंड 12th पेपर 1 एंड पेपर 2 आई मीन बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ द पेपर्स इंक्लूडिंग नीट क्वेश्चन पेपर्स इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, नीट एंड एमएससीईटी प्रिपरेशन।
कुछ टाइम के बाद, कुछ वीडियो लेक्चर्स के बाद मैं उस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ, लास्ट ईयर्स और हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं नीट एग्जाम्स में या सीईटी एग्जाम्स में। उसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएशंस में हैं, बीएससी के क्लासेस में हैं, आइदर वो बॉटनी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या जूलॉजी में कर रहे हैं, या फिर इनमें दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपका है और वहाँ आपके बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, ठीक है, और उनमें से आपको कहीं पे भी कोई परेशानी आती है तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकती हूँ। फीस स्ट्रक्चर्स का जो पैकेज है वो हर एक क्लास के लिए वैरी करेगा, तो बेटर होगा कि आप मुझे ईमेल करें और आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करने का जो वे है, ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो भी बच्चे अगर पर्सनल गाइडेंस के लिए, लेक्चर सेशन अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं अपने नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम के साथ। आप मुझे, आप कौन से सब्जेक्ट्स या फिर कौन से पेपर आप पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, आप यहाँ पे मुझे इस लिंक पे मेल करना चाहते हैं, वहाँ मैं आपको मेल में ही आपका फीस स्ट्रक्चर, आपका टाइम टेबल सब कुछ सेंड कर दूंगी। और ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज या आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे भी। ओके, तो आपको लेक्चर सच में पसंद आया है, आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, इसके बाद बहुत सारे वीडियो लेक्चर सेशन आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड इसके बाद हम लोग मियोसिस डिस्कस करेंगे इवेंचुअली, क्योंकि माइटोसिस के बाद मियोसिस डिस्कस करना ही बनता है समझने के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।